खबर सीकर के दातारामगढ़ से है, जहां गांव डांस ट्रोली में एक निजी स्कूल बस की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी देते हुए थानाधिकारी लाल सिंह यादव ने बताया कि कार्तिक सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान एक निजी स्कूल की बस के चपेट में वो आ गया और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और शव को उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। इधर मामले में स्कूल निदेशक सीताराम कुमावत का कहना है कि वो किसी काम से जयपुर गए हुए थे, उन्हें मालूम नहीं कि स्कूल बस का कौन सा ड्राइवर उस वक्त स्कूल बस को चला रहा था। वहीं मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इसी के साथ पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करके मामले की जाँच भी शुरू कर दी है।